सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। हम प्यारे प्यारे बच्चे, प्यारे प्यारे शिव बाबा को बड़े प्यार से याद कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारा साथी है, भाग्य विधाता है, सदा सहारा, जो सदा साथ निभाने वाला है। तो ऐसे प्यारे बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, माया की फागी बड़ी जबरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। फागी मतलब बादल, मतलब फागी में कभी भी मूंझना नहीं है, माया में कभी भी मूंझना नहीं है। साथ में बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, महावीर बच्चों ने कौन सा कर्तव्य किया है जिसका यादगार शास्त्र में है। महावीर बच्चों ने मूर्छित को संजीवनी बुट्टी देकर सुरजित किया है, जिसका यादगार शास्त्र में भी दिखाते हैं हनुमान का। तुम बच्चों को तरस पड़ना चाहिए, जो सर्विस करते करते बाप से वर्षा लेते लेते किसी भी कारण से बाप का हाथ छोड़कर चले गए, उन्हें पत्र लिखकर सुरजित करो। पत्र लिखो कि तुम्हें क्या हुआ जो तुमने पढ़ाई छोड़ दी, बदनसीब क्यों बने, गिरते हुए को बचाना चाहिए। आज बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। बाबा कहते हैं ये गीत बहुत कमन गाते हैं, हे भगवान अंधों की लाठी बनो, क्योंकि भक्ति मार्ग में ठोकरे बहुत खाते हैं परंतु बाप को नहीं पाते। आत्मा कहती है, हे बाबा मैं आपसे मिलने के लिए इस शरीर द्वारा बहुत ही भटकी, आपका रास्ता बहुत कठिन है। यह तो जरूर मनुष्य समझते हैं कि जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए हैं, यह नहीं जानते कि हमको ज्ञान मिलना है, तब हम नैनहीन से सज्जे बनेंगे। भक्ति मार्ग का कायदा है भक्ति करना, मतलब धक्का खाना। आधा कल अब धक्के खाए हैं, तुमने अब धक्के खाने बंद कर दिए हैं, तुम भक्ति नहीं करते ना शास्त्र पढ़ते। जब भगवान मिल गया फिर यह सब क्यों करें, जबकि भगवान हमको अपने साथ ले जाने वाला है, तो फिर हम धक्के क्यों खाएं। भगवान आएगा तो जरूर सबको साथ ले जाएगा, सभी धक्के भी खाते रहते हैं और एक दे को आशीर्वाद भी करते रहते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं जैसे रास्ते में कोई से पूछो फलाना स्थान कहाँ है, तो कहेंगे इस रास्ते से चले जाओ तो पहुंच जाएंगे, ऐसे नहीं कहेंगे साथ ले चलते हैं, तुमको रास्ता चाहिए वो बता देते हैं, परंतु साथ में कोई गाइड तो चाहिए ना, बिगर गाइड तो मूंझ पड़ेंगे, जैसे तुम भी एक दिन फागी के कारण जंगल में मूंझ पड़े थे। यह माया की फागी बड़ी जबरदस्त है, स्टीमर वालों को फागी के कारण रास्ता दिखाई नहीं देती, बड़ी खबरदारी रखते हैं। तो यह फिर है माया की फागी, कोई को रास्ते का पता ही नहीं पड़ता, भटका देता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं माया की फागी से बचना है। वो क्या है, अनेक प्रकार की मत। बाबा कहते हैं जैसा संग वैसा रंग, हर जन्म में गुरु भी करना पड़े, अब तुम बच्चों को सतगुरु मिला है। वो खुद कहते हैं मैं कलप कलप आकर तुम बच्चों को वापस घर ले जाता हूं, फिर विष्णुपुरी में भेज देंगे।
अब हम बाबा से बरसा ले रहे हैं, मानो कोई गुरु बा पंडित आदि आकर ये ज्ञान ले और दूसरों को कहे कि मन मना भाव शिव बाबा को याद करो, तो उनके शिष्य आदि पूछेंगे तुमने यह ज्ञान कहाँ से लिया, वो झट समझेंगे कि इसने दूसरा रास्ता ले लिया, उनका दुकान खत्म हो जाएगा, मान्यता खत्म हो जाएगी, कहेंगे तुमने ब्रह्मा कुमारी से ज्ञान लिया तो हम क्यों ना बीके के पास जाएं। खुद गुरु लोग भी कहते हैं सब जिज्ञासु हमको छोड़ देंगे, फिर हम कहां सिखाएंगे, सारा धंधा खत्म हो जाएगा, सारा मान खत्म हो जाएगा, यहां तो 7 रोज भट्टी में रख फिर सब कुछ करना पड़े, रोटी पकाओ यह करो जैसे सन्यासी लोग भी करते हैं, तो देह अभिमान टूट जाए। बाबा पूरा जीवन की सारी धारणाओं की बात बता रहे हैं कि जीवन कैसे होना चाहिए, क्योंकि हम देवता बनने जा रहे हैं तो हमारे जीवन श्रेष्ठ और उत्तम पुरुषोत्तम होना चाहिए। बाबा कहते हैं हमारी एम ऑब्जेक्ट है कि हमको नर से नारायण बनना है, तुमको भी दाखिल होना है तो 8 रोज आकर पढ़ना होगा, बड़ी भारी मेहनत है, इतना अभिमान कोई तोड़ ना सके, ऐसे ऐसे आदमी जल्दी आ नहीं सकते हैं। बाप समझाते हैं कि तुम भाई बहन हो, एक दो को समझा सकते हो, समझो कोई बच्चे हैं जो बहुत अच्छी सर्विस करते थे, बहुतों को समझाते थे, अब बाबा का हाथ छोड़ दिया, और वो तो तुम जानते हो कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा, डायरेक्ट तो पढ़ा नहीं सकते, तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराता हूं, राजयोग सिखलाता हूं। बाबा भी पूछते हैं तुमने राजयोग सीखना क्यों छोड़ा, कई कई बच्चे छोड़ देते हैं, तो तुम भी आश्चर्यवंत बाबा का बनंती कथंती फिर भागंती में आ गए, अपनी तकदीर को लकीर लगा दी, समय देखो उनको लिखाना चाहिए, हो सकता है पत्र पढ़ने से फिर जग जाए, गिरते हुए को बचाना होता है, डूबने से किसी को बचाया जाता है तो आप ऋण देते हैं, यह भी डूबने से बचाना है, ज्ञान की ही बातें हैं, लिखना चाहिए, तुमने खेवाया का हाथ छोड़ा तो डूब मरेंगे, तारू मतलब तैरने वाले लोग अपनी जान को जख्म में रख दूसरों को बचाते। बाबा कहते हैं कोई पूरा तैरना जिसको नहीं आता, पूरा तारू नहीं होते हैं तो वो क्या होता है, खुद ही भी गुम हो जाते हैं। तुम भी कोई को डूबता हुआ देखते हो तो 10-20 चिट्ठियां लिखो, ये कोई इंसल्ट नहीं है, तुमने इतना समय हाथ पकड़ा औरों को भी समझा फिर तुम कैसे डूब सकते हो, तुम प्रेम से लिखो, बाबा तरीका बता रहे हैं। बहन जी तुम तो राजयोग सीख पार जाने वाली थी, भाई जी तुम राजयोग सीख कर पार जाने वाले थे, अब तुम डूब रहे हो, तरस पड़ता है, बिचारों को बचावे, फिर कोई बचता है वा नहीं यह तो हुई उनकी तकदीर, लेकिन हमारा फर्ज है उनको समझाना कि आप इतना श्रेष्ठ तकदीर बना के कैसे भूल गए बाबा को। बाबा कहते हैं बस लिखा बाहर निकला तो भूल गया, इसीलिए जो लिखते हैं उनकी पीठ करनी चाहिए, तुमने यह ओपिनियन लिख कर दिया परंतु क्या किया। मैंने कई बच्चे आते हैं सेंटर में ज्ञान सुनते हैं और ओपिनियन भी बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन बाहर जाते ही भूल जाते हैं, बाबा युक्ति बताते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, यह पुरानी दुनिया है, इनसे ममत्व तो मिटाना है, एक बाप को याद करना है, वर्ष को याद करने से रचता भी याद आ जाता है, कितनी कमाई है, खुद भी करो और औरों को भी कराओ। माँ बाप बच्चों को लायक बना देते हैं, फिर बच्चों का काम है बाप की संभाल करना, फिर माँ बाप से छूटे, यहां बहुत है जिनकी रग जाती है, कोई को अपने बच्चा नहीं तो धर्म के बच्चे में मोह जाता है। बाबा कहते हैं यहां बहुत है सर्विस के बदले डिसर्विस करते हैं,
प्रदर्शनी में मुख्य बात यह समझानी है, जो निश्चय हो जाए कि वर वर यह हमारा बाप है, इनसे राजयुग द्वारा 21 जन्म का वर्षा मिलता है। नई दुनिया की रचना कैसे होती है, कैसे हम मालिक बनते हैं, यह है एम ऑब्जेक्ट, परंतु बच्चे पूरा समझते नहीं हैं। तो बाबा जब हम बच्चों को धारणा में कहते हैं मोह की सब रगे तोड़, इस पुरानी देह और दुनिया से ममत्व निकाल, सर्विस में लग जाना है, बाप और वर्षे को याद कर कमाई जमा करनी है, अच्छे तैरने वाला बन सबको पार लगाने की सेवा करनी है, श्रीमत पर चलना है, बुद्धि किचड़े में नहीं लगानी है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रख सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होंगे उतना ये सर्वशक्तियां ऑर्डर में रहेगी। जैसे स्थूल कर्मेंद्रिया जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो वैसा ऑर्डर से चलती है, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर पर चलने वाली हो। जब यह सर्वशक्तियां सभी से ऑर्डर पर होंगी तब अंत में सफलता प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि जहां सर्वशक्तियां हैं वहां सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, आकारी और निराकारी स्थिति में सहज स्थित होना ही निरंकारी है बनना। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तियों का अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर बाबा की याद में रहना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, शांति।